यू एफ टी न्यूज 24 के साथ मैं हूं प्रिया कौर। नई दिल्ली आज दक्षिणी दिल्ली के मोहन गार्डन 25S में हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार ने दौरा किया, जहां पर दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश सुरियानवा, जॉन की चेयरमैन श्वेता सेन और 25S के निगम पार्षद श्याम मिश्रा द्वारा गली मोहल्ले का जायजा लिया जा रहा है। क्योंकि जल्द ही FCTS के तहत कूड़ादान और कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट तैयार किया जा रहा है, साथ ही मोहन गार्डन में जच्चा बच्चा केंद्र भी बनाया जा रहा है। दोनों का महापौर के द्वारा जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही निगम पार्षद श्याम मिश्रा ने बताया कि मोहन गार्डन में जच्चा बच्चा केंद्र खोला जा रहा है, जिससे माँ और बच्चे को सुरक्षा दी जा सकेगी और मातृ शिशु मृत्यु दर पर भी रोक लगेगी। वहीं आपको बताते चले कि श्याम मिश्रा व सुधा मिश्रा ने महापौर और जॉन की चेयरमैन का फूलों का गुलदस्ता देकर और शोल उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही श्याम मिश्रा के साथ लगन से काम करने वाले सभी लोगों का भी श्याम मिश्रा ने फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। और वाकई में जमीन पर जब उतरते हैं तो सच्चाई पता लगती है। सच्चाई का सामना है कि तो निगम की हर कार्यकर्ता हर आदमी तारीफ कर रहा है, गली गली निगम की तारीफ हो रही है, निगम के कर्मचारी तारीफ हो रही है। आपने काम है ऐसे मुझे लगता है कि शाम जी ने कुछ छोड़ा है। एक जच्चा बच्चा केंद्र बता, इसकी हम अगले महीने इसको हम उद्घाटन कर देंगे और यहाँ पे इसको चालू कर देंगे। और हम कोई भी बात है ना हवा में नहीं करते, जमीन पर आकर के कार्य मुआयना करते हैं, तब बात करते हैं। तो नगर निगम के काम में मुझे लगता नहीं कहीं कोई किसी तरह की कमी तो फिर भी दिल्ली सरकार उनकी सुननी और सोचना बंद कर दिया है। जनता उनको जवाब दे रही है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं झूठ के अलावा, सिर्फ पत्राचार करना है। वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो प्रचार मंत्री, हमने उनका बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसी सरकार का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं, जनता के इतने काम नहीं कि यहाँ पर ये जच्चा बच्चा केंद्र बने, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। वो लोग चाहते थे कि हम यहाँ पर जमीन का कटिंग करें और यहाँ पर जमीन बेचे, लेकिन हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये चीज का होने नहीं दिया। यूएफटी न्यूज 24 के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।